हाय गाइस, कैसे हो आप सब। लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। यूनिवर्सिटी का वेलकम वीक चल रहा था, बहुत सारे फन इवेंट्स थे जिसको मैं अटेंड कर रहा था, तो मेरे को टाइम नहीं मिला एक और वीडियो बनाने का। बट लाइक आई प्रॉमिस्ड, इन दिस वीडियो आई विल शो यू माय यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। आई ऑनेस्टली रियली लाइक माय यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन बिकॉज माय फ्लैट मेट्स आर नाइस एंड मेरा फ्लैट भी काफ़ी अच्छा है। और मेरे को ये जो अकोमोडेशन है ये 7100 पाउंड्स पर ईयर, मतलब इसके हिसाब से मिली है, तो मेरे को उतने पैसे देने पड़ेंगे अपनी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के लिए। एंड जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, इनफैक्ट यही मेरी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। अब मैं आपको अकोमोडेशन के अंदर लेके चलूँगा। ये है मेरी अकोमोडेशन की की, जिससे सारे डोर्स खुलते हैं। सो लेट्स गो टू माई अकोमोडेशन एंड देन आई विल गिव यू अ क्विक टूर। एंड आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज मैं स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बना रहा हूँ एंड आई एम शेयरिंग माय कंप्लीट स्टूडेंट लाइफ ऑन दिस चैनल। सो आई डेफिनेटली बिलीव यू विल लाइक माय वीडियोस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई एम आल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एंड माय सोशल मीडिया हैंडल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट माय यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में सबसे पहले घुसते ही यहाँ पे हमें एक कॉमन रूम एंड गेम रूम मिलता है। दिस इज़ दी कॉरिडोर, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं। यहाँ पर एक मिरर भी है। उसके बाद ये पहला वॉशरूम है एंड देन ये सेकेंड वॉशरूम है। ये मेरे फ्लैटमेट्स हैं यहाँ पे इन रूम्स में। एंड देन दिस इज़ द कॉमन रूम एंड द किचन। लाइट अपने आप ऑन हो जाती है जब हम घुसते हैं। उसके बाद ये दो फ्रिज, कुछ लोगों को एक मिला है बट हमें दो मिले हैं, सो इट्स फाइन। देन ये किचन है, नीचे अवन है, यहाँ पे माइक्रोवेव है। उसके बाद यहाँ पे हम बैठ के खाना खा सकते हैं सब फ्लैटमेट्स। यहाँ पे एक सोफ़ा है, एक टीवी है। आई रियली लाइक टू सिट हेयर एंड रीड बिकॉज साथ में ही इतना अच्छा व्यू सिटी का इस विंडो से आता है, सो आई रियली एंजॉय डूइंग इट। नाउ लेट्स गो टू माई रूम। काफ़ी बुरी हालत में अभी मेरा रूम, बट आई विल ट्राई टू शो इट टू यू। सो ये दरवाज़ा है रूम का एंड जहाँ पे एंट्री होती है तो यहाँ पे इतना स्पेस मिलता है। एंड ये मेरी स्टडी टेबल है, इसके ऊपर बोर्ड है, वहाँ पे एक लाइट है। उसके बाद बाहर इतनी बड़ी विंडो है एंड दो चेयर्स। देन आई हैव अ बेड एंड देन यहाँ पे सामान रखने के लिए ड्रॉर्स में अपना सामान रख सकते हैं एंड हैंगर्स भी हमारे पास हैं। सो दिस इज़ माई रूम एंड कुछ बच्चों को छोटे रूम मिले हैं। मेरा काफ़ी ही अनयूजुअल रूम है एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे को ये रूम मिल गया, बिकॉज़ अगर आप बाकी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रूम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे काफ़ी छोटे होते हैं रूम्स। एक्चुअली दिस रूम इज़ शेयर्ड रूम, नॉट एन ऑन सुइट, विच मीन्स जो वॉशरूम होता है वो मेरे को बाकी फ्लैटमेट्स के साथ शेयर करना पड़ता है। तो अगर ऑन स्वीट रूम होता है तो उसमें बाथरूम इतना स्पेस ले लेता है कि रूम का साइज़ तो वैसे ही छोटा हो जाता है। एंड उसके बाद ये जो रूम है ये कॉर्नर रूम है और कॉर्नर रूम यूजुअली बड़े होते हैं, क्योंकि जो भी लेफ्ट ओवर साइज़ होता है वो कॉमन रूम में इंक्लूड हो जाता है। तो
इसलिए ये रूम बाकी रूम से बड़ा है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा जो है वो पूरी सिटी में स्कैटर्ड है, विच इज़ फाइन ओनली बिकॉज यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ द सिटी, बिकॉज आपका कोई एक कैंपस नहीं होगा जहाँ पे आप जाओगे एंड सब कुछ बस वहीं है। अगर आपका बिजनेस स्कूल है तो बिजनेस स्कूल की एक सेपरेट बिल्डिंग है, अगर आपको कोई और स्कूल है तो उसकी कोई अलग बिल्डिंग है, अगर आपके अकोमोडेशन है तो इतनी सारी अकोमोडेशन है, उनकी अलग अलग बिल्डिंग है पूरी सिटी में। तो हर अकोमोडेशन में आपको अलग फीचर्स मिलेंगे, अलग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उनके अलग चार्जेस होंगे। सो इट्स अप टू यू कि आपको किस अकोमोडेशन में क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, एंड अगर आपको लगता है कि वो वर्थ इट होगा देन यू कैन गो अहेड विद यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। राइट नाउ आई फील इट्स फाइन ओनली, एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। मेरे सारे फ्लैटमेट्स हैं उनमें से कोई भी इंडिया से नहीं है, एक यूएसए से, एक स्पेन से, एक चाइना से है। एंड देन अकोमोडेशन टीम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, गेट टुगेदर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले बारबेक्यू सेशन था, एंड एक दिन पहले पिज्ज़ा पार्टी थी, एंड ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो अकोमोडेशन टीम होती है वो ऑर्गेनाइज करती रहती है। सो इट्स फन, एंड सो दैट इज़ इट। इनफैक्ट आज की वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि यूके में आपको सिम कैसे परचेज़ करना है एंड बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है। अगर आपको जानना है कि मेरे वेलकम वीक में क्या क्या इवेंट्स थे और मैंने क्या क्या करा, अगर आपको वो जानना है तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड आज मेरे बिजनेस स्कूल में पहली क्लास है जो मेरे को अटेंड करनी है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आधे घंटे में मेरे को निकलना है, सो आई विल गेट रेडी फॉर इट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।